हेलो दोस्तों, आज केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 7 है। आज इसमें पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, संकरण के प्रकार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये जान लो, हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन वो किसी भी मॉलिक्यूल्स का या कंपाउंड का, जो कोवैलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजक कंपाउंड, उनका ज्योमेट्री देता है, ज्यामिति, ठीक है। और जो ज्योमेट्री हम लोग को प्राप्त होता है, वो क्या चाहते हैं कि हम लोग मिनिमम रिपल्सन में रहें, ठीक है, कम से कम प्रतिकर्षण हो दो एटम के बीच में। एग्जांपल देखो, जैसे CH4 है, ठीक है, क्या है CH4, तो कार्बन हो गया सेंट्रल एटम, इसके आउटर ये हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, इन दोनों के बीच रिपल्सन कम, ठीक है, प्रतिकर्षण कम, एक तरह से समझ सकते हो जो फोर्स होता है, बल, वो क्या चाहेगा, ये मॉलिक्यूल चाहेगा मैं इससे दूर रहूँ, ठीक है, जिससे इस पर प्रतिकर्षण कम हो, इससे ये भी दूर रहना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि इससे प्रतिकर्षण कम हो, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो कम से कम रिपल्सन में रहना चाहता है, ठीक है। अब देखो, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे आज हम, ठीक। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इस टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जो अगला टॉपिक आएगा वो होगा हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, संकरण को कैसे फाइंड करें, या सुपर ट्रिक मेथड, बहुत मेथड है, ठीक है, स्ट्रक्चर मेथड भी है, तो वो अगले वीडियो में देंगे, ठीक है। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तुमको पता है, देखो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है वो मैं लिख ले रहा हूँ। पहला sp होता है, दूसरा sp2 होता है, तीसरा होता है sp3, चौथा होता है sp3d, पांचवा होता है sp3d2, छठा जो होता है sp3d3, ठीक है, ठीक है। और डिफिनेशन की बात किया जाए हाइब्रिडाइजेशन का, तो क्या है, जब दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल आपस में संयुक्त होकर समान ऊर्जा के नई ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, ठीक है, वही क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। देखो, sp कैसे बनता है, जब एक s ऑर्बिटल, ठीक है, ये मान लो एक s ऑर्बिटल है, ठीक है, प्लस एक p ऑर्बिटल, ठीक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ठीक है, जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो हमको दो ऑर्बिटल मिलेगा, ठीक है। अब उनका नाम क्या होगा, ये भी होगा sp, ये भी होगा sp, ठीक है। तो पहला क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो तुमको अगर डिफिनेशन तुम पूछोगे तो ये लिख देना, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ठीक है, आपस में संयुक्त होकर समान ऊर्जा के दो नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, एक s एक p मिला, तो हमको दो नई ऑर्बिटल, देखो पहले भी दो ही कंबाइन हुआ था, पहले एक और दो कंबाइन हुए, बाद में हमको दो ही मिला, ठीक है, बस क्या चेंज हुआ, उनका नाम, पहले एक एस था एक पी था, ठीक है, अब दोनों का नाम क्या हो गया, इसका भी sp, इसका भी sp, ठीक। इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। sp अगर हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। दूसरा है sp2, इसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, ठीक है, ये भी p, ये भी p, ये s, ठीक है। जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके समान ऊर्जा की तीन नई ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, sp2 संकरण, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहाँ पे दो p ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल, तो कितना, पहले कितना कंबाइन किया, 3, 2p का, 1s का, तो बाद में भी 3 ही ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। अब नाम कैसे रहेगा, पहले तो 1s था तो 1s, कितने p थे, 2, तो sp2, ठीक है।
इसका जो देखो इसका जो संरचना होता है एसपी का वो होता है लीनियर रेखीय, हिंदी में बोलते हैं रेखीय। रेखीय मतलब क्या है, एक रेखा में एक लीनियर में। ठीक देखो एक लीनियर में एसपी टू जो संकरण होता है उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होता है ट्राइगोनल, ठीक है त्रिकोणीय। इसकी जो संरचना होती है ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है त्रिकोणीय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे ट्राइगोनल। ठीक है इसका देखो फिगर कैसे बनता है, देखो इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। ठीक है एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा 120 डिग्री। ठीक है अब देखो तीसरा जो होगा वो होगा sp3 संकरण। ठीक है sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे मिलेगा, एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल। ठीक जब एक s ऑर्बिटल तीन p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा sp3। कितने ऑर्बिटल हम लोग को मिलेंगे, चार। इसका भी नाम sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3। ठीक है तो हमको चार नई ऑर्बिटल मिला। इसका जो ज्योमेट्री होगा ज्यामिति वो होगा टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल, ठीक है चतुष्फलकीय। ठीक इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है एग्जांपल करो, देखो पहला हम लोग जो होता है वो एसपी का होता है, तो एसपी का एग्जांपल देख लो BEF2, ठीक है या BECL2 या BEBR2। ठीक है बहुत एग्जांपल है, तो देखो BEF2 कैसे बनेगा, BE हो गया दो फ्लोरीन है तो एक फ्लोरीन यहाँ पे एक फ्लोरीन यहाँ पे। देखो ये जो ज्योमेट्री है वो क्या है लीनियर है, इनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। ठीक है सेम है वही बनेगा BCL2 BBR2 ऐसे ही बनेगा। ठीक है देखो कैसे बना वो थोड़ा सा ध्यान ले लो, पेरिलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है चार, कैसे लिखेंगे 1s2 2s2। ठीक है देखो 2s2 आउटर ऑर्बिटल यही है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में आउटर ऑर्बिटल काम करते हैं, ठीक है इनर जो ऑर्बिटल होते हैं वो काम नहीं करते हैं। तो देखो 2s कितने इलेक्ट्रॉन है दो, यही है। अब देखो बेरिलियम के आउटर जो ऑर्बिटल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है वो भी पेयर में है, ठीक है अनपेयर में नहीं है। बॉन्ड किसके साथ बनाया है फ्लोरीन के साथ, दो फ्लोरीन है और ये अनपेयर है। ठीक है तो अब क्या होगा इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है ग्राउंड स्टेट। अब क्या होगा देखो बेरिलियम के पास पी ऑर्बिटल वैकेंट है, पूरा खाली है पी ऑर्बिटल, ठीक है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद कर चला जाएगा किस में 2p में, ठीक है उसको क्या बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है अब देखो क्या हुआ, ये तो 2s था पहले दो इलेक्ट्रॉन था अब कितना हो गया एक, पी पूरा खाली था अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए एक। अब देखो अब बेरिलियम के पास दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है अब क्या करेगा बेरिलियम दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के दोनों से कंबाइन कर लेगा, कैसे देखो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है 1s2 2s2 2p 5। ठीक है देखो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, यहाँ पर बना दे रहा हूँ पी में कितने ऑर्बिटल बनते हैं 3 1 2 3 4 5, तीन ऑर्बिटल बन गए 5 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए। देखो इसको क्या बोलते हैं px, इसको py, इसको pz। ठीक है अब देखो ऐसे ही फ्लोरीन का एक और बनेगा क्योंकि यहाँ पर दो फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन का मैं बना दिया एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। ठीक है अब देखो क्या होगा 2s है और 2p है, दोनों के एनर्जी क्या है अलग अलग है, ठीक है एक की एनर्जी एस है एक की एनर्जी पी है। ठीक है तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया था, देखो एक एस और एस का ऑर्बिटल है एक पी का ऑर्बिटल है, यहाँ तो तीन ऑर्बिटल है लेकिन काम कौन कर रहा है एक ही कर रहा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है,
तो एक एस का एक पी का, ठीक है, दोनों कंबाइन करके दो नए ऑर्बिटल मिलेंगे जिसका नाम क्या होगा, sp sp, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे नाम मत लिखो, नीचे लिख लो sp sp, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो, ठीक है। अब क्या करें, sp वाला जो ऑर्बिटल है वो इसके साथ कंबाइन कर लेगा, ये वाला sp जो ऑर्बिटल है जो दूसरे फ्लोरीन में बनाऊंगा यहाँ पे वो उससे कंबाइन कर लेगा, ठीक है। तो तुमको देख रहे हैं कि ज्योमेट्री जो है वो क्या है, लीनियर, एंगल कितना है 180 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। फ्लोरीन का मैंने एक बनाया तो एक ऑर्बिटल खाली है, ठीक है, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन खाली है जो अनपेयर है, फिर से दोबारा फ्लोरीन का बनाऊंगा क्योंकि दो फ्लोरीन है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन खाली होगा, तो एक इससे कंबाइन करेगा एक इससे, ठीक है, क्या बनेगा, BeF2, ठीक है। अब देखो नोट डाउन करते रहो, छाप लो, 10 बजने वाला है, 10 PM। देखो दूसरा क्या है, sp2, ठीक है, मैंने तुमसे क्या बताया, एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे क्या बनेगा, sp2 sp2 sp2, ठीक है। sp2 का एग्जांपल देखो, bf3, ठीक है, bf3 बोरान का परमाणु क्रमांक 5 कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। अब देखो ये हो गए तुम्हारे आउटर ऑर्बिटल, देखो s, ये हो गया 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ये हो गया तुम्हारा 2p। अब तुम बताओ ये तो बोरान है, इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है सामने दिख रहा है एक, इसका तो भरा है एस का, पी में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बॉन्ड कितने के साथ बना है, 3 के साथ, अकेला है लेकिन बॉन्ड बना है 3 के साथ। अब क्या होगा, एस वाला एक इलेक्ट्रॉन कूद कर किस में आ जाएगा, पी वाले में, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, 2s में एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 2, ठीक है। अब देखो दोनों के एनर्जी अलग अलग है, एक 2s का है एक 2p का है, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, इसलिए तो हाइब्रिडाइजेशन आया था, ठीक है। तो अब दोनों ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, हमको कितने ऑर्बिटल मिलेगा, 3, ठीक है, इसको 3 ऑर्बिटल मिल गए। अब नाम क्या होगा, sp2 sp2 sp2, ठीक है, यहाँ पर नाम नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पे ऑर्बिटल बन गया, ये हो गया तुम्हारा sp2 sp2 sp2, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गया, ये किसका हो गया, तुम्हारा बोरान का। अब क्या है, फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5 कैसे लिखेंगे, पी में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल बन के 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। ऐसे ही कितने फ्लोरीन बनेंगे, 3, देखो BF3 है तो एक फ्लोरीन का मैंने बता दिया, फिर से एक और 3 दो और बनेंगे जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट होंगे, खाली होंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो sp2 वाला है वो वाला इसके साथ कंबाइन कर लेगा, ये वाला जो है देखो ये क्या होता है, px py pz, यही होता है सेम, px py pz, ठीक है। देखो pz वाला pz से कंबाइन कर लेना, py वाला दूसरा जो फ्लोरीन होगा उसके py से कंबाइन कर लेना, px वाला उसके px वाला कंबाइन कर लेना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, bf3, ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है तो एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो नोट डाउन कर लो, छाप लो, देखो तीसरा क्या है, sp3। sp3 का जो एग्जांपल मैंने तुमसे बताया था, एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे क्या बनेगा, हम लोग को 4 नए ऑर्बिटल मिलेंगे समान ऊर्जा का, उसका नाम क्या होगा, sp3 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 sp3, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो CH4, ठीक है,
अब देखो SP3 में एंगल कितना होता है, 109 डिग्री, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, देखो CH4 कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p2 ऐसे लिखेंगे। अब देखो आउटर मोस्ट सेल कितने हैं, दो, इसको तो नहीं लेंगे क्योंकि ये इनर सेल है, अंदर वाला सेल, ये हो गया 2s, ये हो गया तुम्हारा 2p। ठीक है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो। ठीक है, अब तुम बताओ कार्बन के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो। देखो पी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, बॉन्ड कितने के साथ बनाए हैं, चार के साथ, दो बॉन्ड रखा है अनपेयर, और बॉन्ड कितने के साथ बनाए हैं, चार। अब क्या होगा, एस वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो पी में कूद जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, नीचे वाला आएगा एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब क्या होगा, एस में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, एक, पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तीन। ठीक है, अब देखो कार्बन के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, चार। ठीक है, एक 2s का और तीन 2p का। ठीक है, इनकी ऊर्जा अलग अलग है। ठीक है, अब क्या होगा, ये चारों ऑर्बिटल कंबाइन करेगा। ठीक है, चारों ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या हो गए, चार इलेक्ट्रॉन हो गए, चारों ऑर्बिटल अलग। अब इनका नाम क्या होगा, sp3। क्यों नाम पड़ा, एक s का तीन p का, एक दो तीन, sp3। ठीक है, अब देखो चार अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक, ऐसे ही चार हाइड्रोजन बनेंगे क्योंकि यहाँ पे चार हाइड्रोजन है, इसका 1s, इसका 1s, इसका 1s, इसका 1s। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है, अब देखो ये वाला इससे कंबाइन कर लेगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, बन गया CH4। इनके बीच का एंगल देखो, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अभी मैंने तुमको बताया भी था। देखो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा sp3, नोट डाउन कर लो। अब हमारा क्या बचा, sp3d sp3d2। ठीक है, मैं टोटल रफ कर रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है, ज्योमेट्री, किसी भी मॉलिक्यूल्स का ये कंपाउंड है जो कोवेलेंट कंपाउंड, उसका ज्योमेट्री बताता है। ठीक है, sp3d। अब देखो sp3d कैसे ऑर्बिटल बनता है, एक s का तीन p का, ठीक है, और एक d का, ये हो गया sp d। ठीक है, ये चार कितने हैं, नाम क्या होगा, sp3d, ऐसे ही छह ऑर्बिटल का अलग अलग नाम होगा। ठीक है, sp3d। ठीक है, इनकी एनर्जी जो है क्या है, सब सेम है। देखो इसका जो ज्योमेट्री जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिकोणीय द्वि पिरामिड। ठीक है, इसका sp3d का ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ठीक है, देखो इसका ज्योमेट्री कैसे बनेगा, तीन सेम प्लेन में होंगे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, एक प्लेन के ऊपर, दूसरा प्लेन के नीचे। ठीक है, ऐसे बनेगा ज्योमेट्री sp3d का। ठीक है, देखो जो सेम प्लेन में होंगे उनका एंगल होगा 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, सेम प्लेन में तीन थे तो
उनका हो गया 120 डिग्री, ठीक है, जो ऊपर था जो नीचे था उनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। सेम प्लेन वाले का एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, और जो एक ऊपर था एक नीचे, ठीक है, ऊपर से इसका एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। सेम देखो, इससे इसका एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अब पूरा एंगल कितना है 120 डिग्री, ठीक है। एग्जांपल क्या हो जाएगा, PCl5, ठीक है, कैसे, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है 15, कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। अब देखो ऑटोमोसिल कितने हैं, दो, एक 3s वाला और एक 3p वाला, ठीक है। s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो, p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तीन। देखो फास्फोरस का जो अगर पूछे, मैं तुमसे पूछूं अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तीन, बॉन्ड कितने के साथ बनाया, पांच, अब तुमको पता है फास्फोरस का डी ऑर्बिटल क्या है, पूरा खाली है, टी में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, पांच, ठीक है, 3d। देखो टी ऑर्बिटल फास्फोरस का पूरा खाली है, वैकेंट है, तो अब क्या होगा, एस वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ये हो गया तुम्हारा 3s, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 3p, एक तुम्हारा क्या बन जाएगा 3d, ठीक है। एक ही में बनाया हूँ, पांच तो बनना चाहिए लेकिन एक ही बनाया हूँ, क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 3p के इलेक्ट्रॉन, एक s के इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट, ठीक, इसको ग्राउंड स्टेट, ठीक है। देखो सबकी ऊर्जा अलग अलग है, अब क्या होगा, जो पांचों ऑर्बिटल है वो कंबाइन करेंगे, हमको पांच नई ऑर्बिटल मिलेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, जिनका नाम क्या होगा, sp3d, सबका नाम sp3d होगा, ठीक है। अब देखो कार्बन के फास्फोरस के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पांच, अब तो पांच के साथ बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। सेम क्या करना है तुमको, क्लोरीन को यहाँ पे रख देना है, उसके आउटर मोस्ट शेल में जो वैकेंट होगा एक उसे कंबाइन करेगा, सेम ऐसे ही पांच क्लोरीन कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। इनके बीच का एंगल क्या होगा, जो सेम प्लेन में होंगे उनके 120 डिग्री, और जो प्लेन के ऊपर हैं और नीचे हैं उनका क्या होगा, एक 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो अब कौन सा बचा, देखो ज्योमेट्री कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ठीक है। देखो लास्ट बचा है sp3d2, देखो s सेम है, p सेम है, d में दो ऑर्बिटल बन गए, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा दो। अब क्या बनेगा हमका, 3 1 4 2 6, अब हमको 6 ऑर्बिटल मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 तो पहले ही से था, उसमें 5 बनना चाहिए तो मैंने 6 बता दिया था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, पहले वाले में 5 होगा, इसमें देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6, अब नाम क्या हो जाएगा, sp3d2, सबका नाम हो जाएगा sp3d2, ठीक है। देखो इसका जो ज्योमेट्री है sp3d2 का, उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल का जो फिगर होगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है, देखो चारों सेम प्लेन में है, ठीक है, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। कोई तुमसे पूछे कि sp3d2 में ज्योमेट्री क्या बनता है, तो ऑक्टाहेड्रल बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक। एग्जांपल देख लो sf6, ठीक है, ये एक से एग्जांपल है, सेम बनाना, सल्फर का कितना होता है 16, ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है, ये आउटर मोड से लोग हैं, देखो 3s है यहाँ पे, p में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये हो गया 1 2 3 4, s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2,
ठीक है। अब देखो सल्फर के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, ठीक है। बॉन्ड कितने के साथ बनाया है, छः के साथ। अनपेयर इलेक्ट्रॉन दो, बॉन्ड कितने के साथ बनाया, छः के साथ, ठीक है। अब देखो ये हो गया 3s, ये हो गया तुम्हारा 3p। सल्फर का डी ऑर्बिटल पूरा खाली है, ठीक है, 3d पूरा खाली है। तो एक इलेक्ट्रॉन कूद के डी में चला जाएगा एस वाला, अब पी वाला इलेक्ट्रॉन कूद के जाएगा डी में, ठीक है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन कूदेंगे तो देखो कैसे बनेगा, ये हो गया तुम्हारा 3s, ये हो गया तुम्हारा 3p, ये हो गया तुम्हारा 3d, ठीक है। एस में एक इलेक्ट्रॉन, पी में तीन इलेक्ट्रॉन बच गए। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन डी में कूदा है तो एक वाला वो, पी वाला एक इलेक्ट्रॉन कूदा है उसका वो। अब देखो 3, 1, 4, 2, 6। अब सल्फर के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। अब फ्लोरीन के 6 से कंबाइन कर लेगा, सल्फर SF6 बना लेगा, ठीक है। तो यही था इसका, तुमको बता ही दिए ज्योमेट्री क्या होगा। ऑक्टाहेड्रल 4 प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे, ठीक है। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में।